हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए इंस्टेंट अचार बनाने की विधि लेके आई हूँ, काले तिल का अचार। वो भी बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें हमें चाहिए होगा काला तिल, देख सकते हैं आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा कहीं भी काले तिल। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और मिक्सी में इसका ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। काले तिल चाहिए 2 कप, इसको हम पाउडर बना लेंगे। हमारा पाउडर इस तरह का होगा, मैंने पहले से पाउडर बना के रेडी रखा है। और चाहिए 1 टेबल स्पून चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 1 टेबल स्पून ग्रेटेड जिंजर, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, कच्चा मस्टर्ड ऑयल है, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, नमक स्वाद अनुसार, और लाल मिर्ची का पाउडर है 1 और 2 टीस्पून अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तिल का अचार। हम सबसे पहले तिल लेंगे, इसमें हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें हम डालते हैं सबसे पहले नमक, रेड चिली पाउडर, अदरक, हरी मिर्च, तेल, और लेमन जूस। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। अपने हाथ को मैंने पहले से धो रखा है, तो चलिए इसको हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए हमारा अचार अच्छे से मिल गया है, आप देख सकते हैं अच्छे से मिल गया ये। अब हम इसको एक ग्लास जार में भर के रख लेंगे। सो साफ ग्लास जार ले एक, इसमें हम इसको भर के रख लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको जार में भर के रख लिया है सारे तिल को। हम इस अचार का इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं आप, और इसको ढक्कन बंद करके आप इस अचार को 1 महीने तक खा सकते हैं। एक से लेके 1.5 महीने तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी इस अचार को बनाइए और अपने साथ मेरे अनुभव को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।